हेलो डियर फ्रेंड, मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें हम यूपी पीजीटी के जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उन सब का सॉल्यूशन करवाएंगे। एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम यूपी पीजीटी फिजिक्स 2000 पेपर। इस पूरे पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे जिसको मैं पार्ट वाइज करवाऊंगा। एक पार्ट में 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज कॉज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हमें किस फिनोमिना की वजह से मिलता है वो आपको बताना है। तो एक्चुअली सन में क्या होता है, ड्यूट्रियम मिलकर के 1s2 या 1s3 मिलकर के ये बनाते हैं हीलियम एटम 2He4, और वहाँ पर एक न्यूट्रॉन निकलेगा और काफ़ी लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में MeV। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो लाइट न्यूक्लियाई मिल करके एक हैवी मास न्यूक्लियाई में कन्वर्जन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में हैवी मास न्यूक्लियाई डिके होकर के लो मास न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 4 मिनट। देखो हमें टी हाफ गिवन है 4 मिनट, एंड द रेडियो एक्टिव पार्ट लेफ्ट आफ्टर 12 मिनट। आपको बताना कि टी इक्वल टू 12 मिनट बाद कितना पार्ट बच जाएगा 1 ग्राम का, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू होता है 1/2 की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और ये जो स्मॉल एन होता है ये होता है आपको टाइम कितना गिवेन है अपॉन में टी हाफ कितना है। ठीक है, तो यहाँ से हम एन अपॉन एन नॉट से 1/2 स्मॉल एन को हम लिखेंगे टी, यानी कि जो कि 12 है अपॉन टी हाफ जो कि 4 है, तो 1/2 की पावर 3 आ जाएगा ये। तो 1/2 की पावर 3 का मतलब 8, 1/8। सो वी कैन से कि जो एन होगा वो 1/8 हो जाएगा एन नॉट का, यानी कि अगर इनिशियली 1 ग्राम रहा होगा तो आफ्टर 12 मिनट वो 1/8 बचेगा एन नॉट का। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड पीस ऑफ ग्लास इज हीटेड टिल इट्स स्टार्ट ग्लिटरिंग इन द डार्क, द कलर ऑफ द ग्लास प्लेस क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम कंसेप्ट लगाएंगे प्राइमरी कलर का। देखो प्राइमरी कलर हम उन कलर्स को कहते हैं जो कि एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में अगर मिलाए जाए तो वो कोई भी कलर फॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेकेंडरी कलर होते हैं जैसे येलो या मेजेंटा, अगर दो प्राइमरी कलर आप मिला रहे हो तब जाकर के ये प्रोड्यूस होंगे, और अगर आप किन्हीं दो कलर को मिला करके व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करवा रहे हो तो वो कलर कहलाता है कंप्लीमेंट्री कलर्स। अब यहाँ पर जो कंप्लीमेंट्री कलर होगा, जैसे वॉलेट का होता है येलो, ब्लू का ऑरेंज और ग्रीन का रेड, तो यहाँ पर बोला गया था कि रेड कलर की प्लेट है तो वो किस तरह के दिखेगी। तो जो रेड कलर की प्लेट है वो ग्रीन कलर की तरह दिखेगी, क्योंकि जो ग्रीन कलर है वो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ग्रीन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैथोड रे ऑसिलोग्राफ। तो मैं आपको कुछ मेन पार्ट बता देता हूँ, उसके बाद आंसर पर चलेंगे। देखो सीआरओ में क्या क्या चीज़ होती है, वर्टिकल एम्पलीफायर जहाँ पर आप इनपुट सिग्नल देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर ये डिले लाइन, इलेक्ट्रॉन गन जो कि इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करवाएगी, ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस जनरेटर, हॉरिजेंटल एम्पलीफायर, और यहाँ पर वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट होती है दोनों, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट, यहाँ पर ये स्क्रीन और पावर सप्लाई। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। अब ऑप्शन में देखो कि कैथोड रे ट्यूब, टाइम बेस सर्किट और एम्पलीफायर सर्किट, ये सब यहाँ पर, ये सीआरटी ट्यूब होगी, कैथोड रे ट्यूब, वर्टिकल एम्पलीफायर भी है और देखो टाइम बेस जनरेटर भी है, लेकिन यहाँ पर डिटेक्टर सर्किट नहीं होता। तो अपना सही आंसर हो गया है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीआरओ पर बेस्ड है, इसमें पूछा है सीआरटी इज नो नॉट यूज इन। देखो पहले जो पुराने टेलीविजन आते थे, टीवी आते थे, उसमें ट्यूब रहती थी, पिक्चर ट्यूब जिसको बोलते थे, वो सीआरटी ही होती थी, तो टेलीविजन में तो यूज होती है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में तो, ऑसिलोग्राफ में तो इस्तेमाल होगी, अभी हमने देखा था। रेडार में भी जब आप कोई चीज़ देखोगे कि कोई बाहर का प्लेन अगर आपके एरिया में आया तो उसमें एक ट्यूब में या स्क्रीन पर आप वो सब चीज़ें देख पाते हो। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा इन टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर में सीआरटी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच
ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बिलोंग्स टू लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में इनमें से कौन सी वेवलेंथ आ सकती है वो आपको बताना है। देखो लाइमन सीरीज कब निकलती है, जब इलेक्ट्रॉन फाइनली ग्राउंड स्टेट पर आ जाए यानी इक्वल टू वन पर आ जाए। अब वो टू से भी आ सकता है, या वो थ्री से भी आ सकता है, फोर से भी आ सकता है, इन्फिनिटी से भी आ सकता है। तो मैं ना रेंज पहले फाइंड कर लेता हूँ कि लाइमन सीरीज की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, उसके बाद हम पता कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वन अपॉन लैमडा इक्वल टू आर, वन अपॉन एन, एन फाइनल का स्क्वायर माइनस एन इनिशियल का स्क्वायर। एन फाइनल मतलब इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ जा रहा है, एन इनिशियल मतलब वो कहाँ से आया है। तो एक तो ये हो सकती है पॉसिबिलिटी कि जस्ट एन इक्वल टू टू से इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू वन पर आ जाए। तो ऐसा जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, और लैम्डा जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं, आर वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन टू का स्क्वायर मतलब फोर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, आर अपॉन में फोर माइनस वन यानी कि थ्री, थ्री अपॉन में फोर, ये वन अपॉन लैम्डा इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा, ये वन अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर, वन अपॉन लैम्डा इक्वल टू आ गया थ्री आर अपॉन में फोर। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर अपॉन में थ्री इंटू में आर। दूसरी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है मतलब वो हो सकता है कि एन इक्वल टू इन्फिनिटी से एन इक्वल टू वन पर आ जाए। ऐसे में जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, लेकिन जो वेवलेंथ होगी वो मिनिमम रहेगी। कितनी रहेगी देखते हैं भाई, वन अपॉन लैम्डा मिनिमम विल बी इक्वल टू वन अपॉन ये आर इंटू में वन अपॉन एन, फाइनली तो वन पे आएगा माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है तो वन अपॉन इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगा। तो ऐसे में जो लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा मिनिमम, वो सिर्फ वन अपॉन आर के इक्वल होगा। जबकि लैम्डा मैक्सिमम कितना होता है लैमिन के लिए, वो होता है फोर आर अपॉन में थ्री। अब आर की वैल्यू पुट करते हैं, देखो आर की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इन्वर्स। यहाँ पर फोर अपॉन थ्री आर होगा। देखो मैंने आर की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व किया है, 1.097 10 की पावर 7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएंगे 1.2154 10 की पावर -7। ऊपर जा करके फिर 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करके इसको हमने एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लिया है, तो ये आएगा 12.15.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके आप 1216 भी लिख सकते हैं, 1216 एंगस्ट्रॉम। और लैम्डा मिनिमम वन अपॉन आर के इक्वल है, तो वहां पर हमने आर की वैल्यू पुट करी तो लैम्डा मिनिमम आएगा 911.57। यानी कि अगर मैं लाइमन के लिए बात करूं, लाइमन के लिए तो जो वेवलेंथ रेंज होगी वो 911.57 से 1216 एंगस्ट्रॉम तक जाएगी। ठीक है, तो ये उसकी मिनिमम और ये उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ। अब ऑप्शन पे चलते हैं, यहाँ पर 6000, 9000, ये 1200 और 4500। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन थ्री होगा। मैंने आपको सोल्व करके बता दिया क्यों। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बिलोंग्स टू लाइमन सीरीज, तो 1216 लाइमन सीरीज से बिलोंग करेगी, क्योंकि 911 से 1216 एंगस्ट्रॉम वाली वेवलेंथ ही लाइमन सीरीज से निकल पाएंगी, बाकी नहीं निकल पाएंगी। उसकी मैक्सिमम रेंज ही 1216 है, मतलब 1216 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको गिवन है, बताना कि एक्स पार्टिकल इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। देखो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, ये 35 क्लोरीन 17 प्लस, तो ये पूरी रिएक्शन है। अब देखो हमने यहाँ पर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर बैलेंस करेंगे, जैसे यहाँ पर दोनों को ऐड करके देखो कितना है, 16 4 20, एक मिनट, ये फोर ऊपर आएगा टू नीचे आएगा, इसको ठीक कर देते हैं पहले। तो ये 2H4 है यानी कि हीलियम। अब देखो इसको अगर आप यहाँ पर ऐड करो तो 16 और 2 कितना आ गया, 18। यहाँ पर भी 18 ही होना चाहिए, यहाँ पर 17 है और यहाँ पर जेड पता नहीं है, तो कितना होना चाहिए, 18। तो मैं अगर यहाँ पर जेड की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो 17 और 1 18, यानी कि मास एटोमिक नंबर तो बैलेंस हो गया। अब ऊपर देखो मास नंबर को, यहाँ पर 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ पर भी तो 36 होना चाहिए, यानी 35 में मैं क्या ऐड करूँ कि 36 हो जाए, तो 1 ऐड करने से 35 + 1 36 हो जाएगा। तो मास नंबर भी बैलेंस होना चाहिए और एटॉमिक नंबर भी बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो पार्टिकल आया वो क्या आया, 1X1, इसका मतलब क्या है, वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन टू, 1H1। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड विद टेलीविजन, स्कैनिंग, सिंक्रोनाइजेशन, टेलीविजन ट्रांसमीटर या स्टिमुलेटेड एमिशन। तो आपने लेजर की फुल फॉर्म तो पढ़ी होगी, लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी जो स्टिमुलेटेड एमिशन का कंसेप्ट है ये हम लेजर में इस्तेमाल करते हैं, टीवी में नहीं। तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन थ्री।
नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर पे मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ पहले कि कौन कौन से एसेंशियल पार्ट होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो देखो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसका पहले हम एक फ्लो डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर ये फ्यूल रॉड है, कंट्रोल रॉड जो कि कंट्रोल करेगी रिएक्शन को, मॉडरेटर, रिएक्टर, कूलेंट पंप, स्टीम, और जो कि जाएगी टरबाइन में, टरबाइन को घुमाएगी जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी जनरेटर की तरफ। और यहाँ पर एक कंडेंसर लगा हुआ है, फिर से वाटर जो बच आएगा वो वापस इस तरफ आ जाएगा। मेन मेन चीज़ें यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। तो मॉडरेटर क्या काम करता है, स्लो डाउन करता है ये न्यूट्रॉन्स को। और कंट्रोल रोड्स का फंक्शन क्या होता है, इसलिए पूछा जाता है, कंट्रोल रोड का फंक्शन होता है रेट ऑफ फ्यूजन को कंट्रोल करना। और कूलेंट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इज यूज टू रिमूव द हीट विच इज रिलीज इन साइड द रिएक्टर, यानी कि रिएक्टर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको रिमूव करने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये तीनों ही पॉइंट से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। फिलहाल हम ये करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो फिजनेबल मटेरियल भी आपको चाहिए, कूलेंट भी चाहिए, मॉडरेटर भी चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन टू, रेडियो आइसोटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास एनिहिलेशन इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इज 0.3%। द एनर्जी ऑब्टेन बाय एनिहिलेशन ऑफ 1 किलोग्राम मास। देखो मास हमें गिवन है 1 kg, लेकिन एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो हम 0.3% से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो एम डैश मुझे लेना पड़ेगा 0.3% ऑफ एम, यानी कि 0.3% का मतलब 1/0 इंटू में मास कितना है 1 किलोग्राम। तो एम डैश की जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू 0.003 किलोग्राम। अब एनर्जी का फॉर्मूला हम लगाएंगे डेल्टा एम सी स्क्वेयर। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, 0.003, और स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10^8 m/s, और उसका करेंगे स्क्वेयर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे आंसर आएगा 2.7 × 10^14 जूल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।